स्टूडेंट कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो सभी के एग्जाम हो चुके हैं। अब अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावत यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है वो है जो स्टार्ट हो रहे हैं 12 अप्रैल से और 13 अप्रैल से। तो सभी बच्चों के मतलब कमेंट आ रहे हैं और कॉल भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कि सर शेखावत यूनिवर्सिटी का और राजस्थान यूनिवर्सिटी का आप गेस्ट पेपर बना दो। तो इसी की बेस में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं वीडियो डाले हुए, थोड़ा सा क्या मैं बिजी हो गए हूँ। अपन क्या है कि फोटो स्टूडियो है वो कर लिया है, यानी वीडियोग्राफी फोटो स्टूडियो वेडिंग के लिए अगर आप बुलाओ तो हमें संपर्क कर लेना, जो हमारे पास से है वो ठीक है, जिनकी भी शादी हो वो कर लेना भाई, एक बार मौका जरूर देना अपने सर को। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ बढ़िया वाला पेपर। और इनका पहला मैंने क्या किया पता, आपको सिलेबस को रीड आउट किया, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए है वो, बस बढ़िया तरीके से मन लगा के एकदम से पढ़ लो और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ। चलो आज करते हैं फिर, काफी दिनों के बाद मिल ले हम, फिर बता देना कमेंट करके कैसा बना और लाइक भी कर देना वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। और नोट्स लेना है तो अपने नंबर अपने 9057-1545 पे आपके संपर्क करो तो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, आ जाओ मोबाइल की स्क्रीन पे। ओके, तो आ गए हम मोबाइल की स्क्रीन पे और ये अपना हाँ केमिस्ट्री वाला कृष्णा का गेस्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो सभी है लेकिन ज़्यादा रहेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ में बता दूँगा कि भाई ये ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी का, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस है जो सेम ही है, तो आप लोग ऐसे मत सोचना कि ये अलग अलग है, तो सेम ही है। पेपर है, मैं बता देता हूँ आपको कितने नंबर का आएगा। तो आपका जो पेपर है ना वो आएगा 100 नंबर का, जिसमें आपको 36 नंबर हैं जो लाने पास के लिए। ठीक है, और 3 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है, तो ये सेम है जो फाइनल के अंदर है। तो चलो आ जाओ फिर। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई पहली यूनिट कौन सी है, अपनी फर्स्ट यूनिट है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, यानी ग्रुप थ्योरी से है। तो ये सिलेबस आप रीड आउट कर लो एक बार, ठीक है, कर लिया होगा, चलो आपके पास वैसे तो है क्योंकि आप पढ़े हुए हो। चलो अब अपन इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि भाई अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन। देखो सबसे पहले व्हाट आर सिमेट्री एलिमेंट, क्या होते हैं सिमेट्री एलिमेंट उनको पता होना चाहिए, ये तो कन्फर्म पता होना चाहिए अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो तो ये आना जरूरी है आपको। उसके बाद में क्या है वो देख लो, उसके बाद में है अपना ये है डेफिनेशन ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप, कि भाई आपको डिफाइन करना है कि ग्रुप क्या होते हैं और सब ग्रुप क्या होते हैं, और साथ में इनके बताने हैं एग्जाम्पल, ठीक है, सुटेबल एग्जाम्पल। उसके बाद में क्या है देखो अगला, अगला अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है डिस्कस कंजुगेसी रिलेशन एंड क्लासेज, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद में अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है वो ये है कौन सा, देखो अभी बताता हूँ मैं, व्हाट आर करेक्टर टेबल, यहाँ के मतलब सबसे पहले आपको बताना है कि करेक्टर टेबल को डिफाइन करना है, क्या होती है करेक्टर टेबल वो बतानी है। उसके बाद में आपको करेक्टर टेबल है वो C2V पॉइंट ग्रुप के लिए बतानी है आपको, क्लियर। उसके बाद में देखो अगला, राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉइंट सिमेट्री, कि भाई आपको इसके ऊपर जो पॉइंट सिमेट्री होती है ना उसके ऊपर एक बढ़िया सा नोट लिख के आ जाना, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद में रिप्रेजेंटेंस ऑफ C2 ग्रुप, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना होता है C2 ग्रुप को, क्लियर है। उसके बाद में जो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो देखो, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो डिस्कशन ग्रेट ऑर्थोगोनोलिटी थ्योरम, ठीक है, और इसको डिफाइन करना होता है और इसके इम्पोर्टेंस वगैरह देने होते हैं, तो ऑर्थोगोनोलिटी थ्योरम ही है, क्लियर है। अब अपन बात करेंगे यूनिट सेकेंड की, तो यूनिट सेकंड के अंदर देखता हूँ मैं सिलेबस को, और जब भी मैं सिलेबस को देखता हूँ तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि भाई अपना स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग मेन ग्रुप चलता है, उसके बाद में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग चलता है, उसके बाद में मेटल क्लस्टर चलता है। तो ये सारे के सारे आपको हैं जो इनके इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो हैं जो बना रहे हैं, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे यार आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मैं सोचा कि इम्पोर्टेंट डाल दूँ जो आप एग्ज़ाम से पहले पहले प्रिपेयर कर लो, और अगले भी एग्ज़ाम जो है उसका मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका भी बना दूंगा। उसके बाद देखो एक्सप्लेन द वाल्स डायग्राम, अब यहाँ पे वाल्स डायग्राम बताना है और किसके लिए, वो है BEH2 के लिए,
ठीक है। उसके बाद बेंट रूल, बेंट रूल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इतने कर लोगे तो BSCPR की थोड़ी की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो क्या है अथवा में दे देंगे। अब देखो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये कि एक्सप्लेन डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। जो जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए आपके। और ये किसके लिए पूछा है, H3PO4 मॉलिक्यूल के लिए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो देखो कौन सा है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये अगली यूनिट का है, लेकिन इसमें आपको करना कौन सा वो देखो, ये अगले क्वेश्चन में दे दूंगा आगे जब यूनिट आएगी, इसमें लिख दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे ये करना है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इन पाई बॉन्डिंग कंपाउंड के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला है अपनी यहाँ पे जो है वो है लिमिटेशन, किसके लिए, CFT की। तो CFT की जितनी भी लिमिटेशन है वो क्लियरली याद होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद में इन पे नोट लिखना होता है, नोट किस किस के, तो कार्बोबोरेंस क्या होते हैं, मेटलोबोरेंस क्या होते हैं, मेटल क्लस्टर क्या होते हैं, इन पे क्या है को एक नोट लिख के आ जाना बढ़िया वाला। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी है वो है यूनिट 3rd, वो क्या बोलती है कि राइट टेनबो सुगनो डायग्राम फॉर D3 ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये यहाँ पे जो दे रखा है ये टेनबो सुगनो डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है सारे के सारे, ये मैं सोचना कि कौन से पढ़ूँ। तो जो ज़्यादा बड़ा वाला क्वेश्चन है वो देखो ये एकदम बड़ा वाला, डिस्कस इन डिटेल, कि भाई डिटेल के अंदर आपको डिस्कस करना है और किसके लिए, अबाउट इन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड ऑफ असाइनमेंट एब्सोल्युटली कॉन्फ़िगरेशन इन ऑप्टिकली एक्टिविटी मेटल क्लेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा वाला क्वेश्चन है, ज़बरदस्त आग लगा देगा ये, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो कौन सा है कि एक्सप्लेन द केमिकल इन्फॉर्मेशन, कि भाई यहाँ पे आपको जो केमिकल इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सप्लेन करना है, और साथ में मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग है और स्पिन क्रॉस है और है उनको कम्प्लीटली बताना है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, स्पिन क्रॉस ओवर हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर पूछते हैं, हर प्रत्येक यूनिवर्सिटी की, ठीक है। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट है पाँचवा क्वेश्चन वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 200% आने की संभावना, ठीक है। फोर्थ यूनिट के देख लेते हैं, फोर्थ यूनिट में क्या है वो देख लो, डर जा भाई, डर जा क्या कट गया तू। तो फोर्थ यूनिट के अंदर नोट करना आपको क्या है वो देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। फोर्थ के अंदर राइट इन नोट ऑन मार्कशस थ्योरी, कौन सी, मार्कशस थ्योरी बतानी है डिटेल के अंदर, ठीक है। इसके बाद में क्या, डिस्क्राइब एसिड हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस और फैक्टर इफेक्टिंग हाइड्रोलाइसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो तो सही आप खोल गए, अब बोल रहे सर क्या पढ़ूँ क्या करूँ, अरे कुछ नहीं ये पढ़ के चले जा तू बस, और कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एक्सप्लेन आउटर स्पेयर और टाइप एंड इनर स्पेयर टाइप रिएक्शन है, वही बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली तैयार कर लो इसको। उसके बाद एक्सप्लेन इनट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स, क्या है, एक्सप्लेन इनट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर आता है ये। उसके बाद में देखो मैं बता रहा था ना VSCPR प्लेनर वाला, ये यहाँ पे आपको याद करना है क्या है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ट्रांस इफेक्ट, तो साथ में आपको यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट करना है और स्क्वायर प्लेनर वाला करके चला जाना। उसके बाद एप्लीकेशन याद करनी है CFT और BBT की, ये इतने हैं जो अपनी चौथी यूनिट के। अब पांच यूनिट के अंदर कौन से वो देख लो, पांच यूनिट के व्हाट इज क्या है, कैलिब्रेशन काउंटिंग इक्विपमेंट्स डिस्कस इन एडवांटेज। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेके, मैं पांचवी का नए तो नोट्स है हमारे पास नए, इसके कुछ हम बताते हैं, लेकिन मैंने सोचा और मैं दिमाग लगाऊँ जिससे जो निकाल पाऊँ क्वेश्चन, मैंने ये निकाला है, ठीक है। क्योंकि ये हम बच्चों को देते ही नहीं है मोस्टली, आप बोलोगे सर ये नहीं दिया तो मैं इसके देता ही नहीं हूँ क्योंकि है नहीं ये हमारे पास। उसके बाद डिस्कस, अगर आपके पास हो हिंदी इंग्लिश मिक्स तो ये मेरे को भेज देना यार इसके, तो ये नंबर अपने 90 57 70 15 45 ये नंबर अपने, तो आपके पास नोट्स हो राजस्थान यूनिवर्सिटी से अकाउंट कोई सी भी यूनिवर्सिटी का हो तो मेरे को PDF सेंड कर देना इसके ऊपर, ठीक है, ओके। अब अपना देखो क्या है अगला, वो है डिस्कस जिगलर नेटवेल रूल, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने की संभावना है, इनको तैयार कर लो, टाइम पड़ा आपके पास, और नोट्स से रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल जवाब हो तो मेरे से संपर्क करो, नंबर अपनी ये
90 57 70 15 45। अगर आपके घर में शादी की सोच रहे हो तो अपना स्टूडियो के लिए भी आप हमें संपर्क कर लेना, अगर हमारे पास से हो तो ज़रूर कर लेना, तो आपकी शादी में हम आएंगे, अपना स्टूडियो लगाएंगे, तो दोनों दोनों काम हो जाएंगे साथ में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अब मेरे को बता दें कैसा लगा एग्ज़ाम में, यही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने और कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।